गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। उत्तम मिश्रा जी, निर्दोष जी, सुशील रस्तोगी जी, अवस्थी जी, खिलावन जी, सोना जी, सुशीला जी, आसिफ जी, सभी लोगों को नमस्कार। आपसे बातचीत करने का यही एक माध्यम है। चलिए, मेरे जीवन में एक ऐसी घटना हुई, सोचा शेयर करूं। अक्सर मैं जब निकलता था तो मज़दूरों को देखता था, वो आराम से चार छः मज़दूर बीचों बीच एक चार छः ईंटों का चूल्हा बना लेते हैं और बर्तन के नाम पर मुझे लगता है दो ही तीन आइटम होते हैं, एक बटुइया, एक प्लेट और एक कलछुर या जो भी हो, बटुई के अंदर भी आते हैं। तो जब भी जाओ निकलो तो लौकी की सब्जी या इस टाइप की सब्जी जो भी बनाते हैं, देखो तो तेल वेल डालते हैं, ज़मीन पर बैठकर जिस तरीके से खाते हैं एक सामूहिक रूप में, कितना अच्छा लगता है देखकर। तो बड़े होटलों पे भी मैंने खाना खाया मैंने काफ़ी, जितने भी स्तरीय, दो स्तरीय, तीन स्तरीय या जितने भी स्तरीय रहे हो, लेकिन एक मन में एक दिन ख्याल आया कि इनका खाना कैसा होता होगा जो बनाते हैं। अब दो तीन चार पाँच दिन तो मैं जाता रहा, हिम्मत ही ना पड़ी कि कैसे मांगा जाए इन लोगों से कि भैया हमको जो ये रोटी है बढ़िया चित्तीदार चूल्हे में पकी हुई, वही जो उनका ईंधन भी जो होता है वो इधर उधर के झाड़ झंखा जला के बनाते हैं, तो देखने में बड़ा एक अंदर से एक पॉजिटिव भाव महसूस होता है। लेकिन एक दिन सोचा मैंने, निकला घर से कि आज मैं इससे रोटी मांगूंगा और घर लेके आऊंगा और खाऊंगा। खैर मैंने क्या करूं, गए मैं और जलेबी खरीदी। हमने कहा कुछ ना कुछ दिमाग तो काम नहीं करता कि किसी से कहो कि भैया मैं किसी में जोल जगह खाना दे दो, हम लोग जरा सोसाइटी और स्टेटस जरा ज़्यादा मानते हैं ना। खैर मजदूर था, उसके साथ उसका साथी बैठा था, मैंने खैर निकाली जलेबी, गर्मा गर्म थी। मैं बात कर रहा हूँ कि एक गरीब आदमी का स्वाभिमान कितना होता है। बहुत से साल पहले मैं जब इंटर में था तो इंटर प्रोज की किताब में एक कविता थी, ए गर्ल विद ए बास्केट, विलियम सी डगलस की लिखी हुई। तो इस मजदूर का जो स्वाभिमान था उससे विलियम सी डगलस ने जो कविता लिखी थी गरीब लड़की के ऊपर, उसका स्वाभिमान कितना ऊंचा था। खैर मैं मजदूर के साथी से कहा कि भैया ये लो जलेबी, कहने कहा बताओ, ले खा लो, कहने नहीं नहीं जलेबी क्या करेंगे। खैर उसने रख लिया। फिर वो चूँकि रोटी बना रहा था तवे पर, हमेशा भी इन लोगों का खाना दे के मुँह में लार आ जाती थी मेरे, खाया जाए। खैर उससे कहा भैया एक काम है हमको इनका, हम कहें ये रोटी हमका दे दो। कहीं तो मजदूर एक तो था बना रहा था वो, तो कहने लगे भैया ये जलेबी का तुम ये रोटी के लिए लाए। अब मैं कहा मैं क्या, मैं सन्न चुप। कहीं कहे भैया रोटी एक नहीं चार ले लो, अगर ई के लिए लायो तो मैं तुम्हारी जलेबी ना ले, ये जलेबी ले जाओ, कोई दिन खुशी से खिला दियो, लेकिन हम इतने कमज़ोर नहीं हैं कि तुमका जो है रोटी नहीं दे सके थे, इतना हम कमा ले थे, ये हम ना ले। और उसने वापस कर दी। मुझे सोचने पर विवश होना पड़ा
कि जनरली एक गरीब आदमी, एक मजदूर को आदमी क्या समझता है, लेकिन ये मेहनत का आदमी कितना ऊंचा स्वाभिमान रखते हैं। आज भी कमी नहीं है हमको ऐसे मेहनत कश लोगों का सम्मान करना चाहिए, हमेशा यथासंभव गरीब लाचार जहाँ भी लोगों की देखें उनकी मदद अवश्य करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। और जाड़े का समय है, अपने घरों के पुराने वस्त्र निकाल लीजिए, बहुत दिन से जो बक्से में पड़े हुए हैं, और दे दीजिए इन ऐसे जगह मजदूरों की मंडी में जाके या फुटपाथ पर। एक आदमी को भी ठंड में अगर हम मरने से बचा सके तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जय हिंद। वंदे मातरम।